हाय एवरीवन, विमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल भर्ती 2022, इन कोर्ट केस की सुनवाई 26 फरवरी को। कौन से केस फ्रेश लिस्ट में लिस्टेड हुए हैं? ये जॉब नहीं जिंदगी है, कुछ हुआ तो सब कुछ ख़त्म। 26 फरवरी को धरना देने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष सलाह, क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा? सारी जानकारी हम आपको देंगे, आप वीडियो में बने रहिए। 26 फरवरी को धरना देने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष सलाह, वो कौन कौन सी सलाह हैं जो आपको ध्यान रखना है? छब्बीस फरवरी को आने वाले सभी बंधु ध्यान दें, तहसील स्तर पर सभी लोग अपने ग्रुप के साथ में ही रहें। सभी लोग अपने ग्रुप में आए हुए सदस्यों की संख्या का विशेष ध्यान रखेंगे। किसी भी अनकंफर्टेबल परिस्थिति में एक दूसरे का विशेष ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि सभी लोग एक साथ ही ट्रेवल करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो फ़ोन से एक दूसरे के संपर्क में रहिए। अपने साथ पानी का बोतल, एक समय का खाना, संभव हो तो पावर बैंक और बिछाने का कुछ साधन और पिट्ठू बैग में रखने का सुनिश्चित करें, ठीक है? सभी आरामदायक कपड़े पहनकर आएं, क्योंकि धरना देने आप जा रहे हैं तो काफ़ी समय लग सकता है, तो जो कंफर्टेबल कपड़ा रहेगा तभी आप बैठ पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि सभी लोग कंफर्टेबल कपड़े पहन के आएँ और जूता पहन के आएँ। अपनी बात को सलीके से रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, सभी पढ़े लिखे हैं, ठीक है? शासन पर दबाव बनाए रखने में वहाँ जाके संख्या बल में दिखना जरूरी है। इससे अपने केस की सुनवाई भी तेज़ी से होगी और संख्या और शासन इस मुद्दे पर अपनी नज़र बनाए रखेगी। सरकार आपके साथ है और आपके हित में काम कर रही है, वहाँ शालीनता से पेश आना होगा। सभी को सभी लोग चयनित हैं और अपने उज्जवल भविष्य के नज़दीक हैं, बिल्कुल सही। अब आप लोग देख लीजिए आपको किस प्रकार का स्लोगन बना के ले जाना है वहाँ पे धरने के लिए। कुछ अभ्यर्थी ने ऐसा स्लोगन भेजा है, वी वांट जस्टिस, लेखपाल नियुक्ति पत्र दो नहीं तो ये जीवन लो, विशाल धरना प्रदर्शन 26 फरवरी। ऐसे ही बहुत सारे कटिंग मेरे पास हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे लिखा है विशाल धरना प्रदर्शन 26 फरवरी 2024, कैसे 18 की उम्र को 24 में बदल दिया एक पेपर ने, लेकिन उसके बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं इस सरकार में। पेट 2021, लेखपाल एग्जाम 2022, रिजल्ट 2023, ज्वाइनिंग पता नहीं, वी वांट जस्टिस, बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप भी बना के ले जाइए। एक ही मांग, लेखपाल नियुक्ति पत्र दो हमारा, बिल्कुल सही। ऐसे ही ये वादा सिकंद ख्वाब दिखाना ही नहीं था तो क्यों आख्या ली, जब टोकन दिलाना ही नहीं था, लेखपाल नियुक्ति पत्र दो, बिल्कुल सही। ऐसे ही आपको ही बना के ले जाना है। योगदान आख्या ली गई, इस्तीफा मांगा गया, पुलिस मेडिकल वेरिफिकेशन कराया गया, ज्वाइनिंग कराई गई, एक महीने ड्यूटी कराई गई, और अब नियुक्ति पत्र देने से इनकार क्यों? सब अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। कौन से केस फ्रेश लिस्ट में लिस्टेड हुए हैं? अब आपको मैं केस दिखा रहा हूँ। इस कोर्ट केस की सुनवाई 26 फरवरी को, कल एक सुनवाई भी है और वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कौन सा केस फ्रेश लिस्ट में लिस्टेड है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग ये आप लोग देख लीजिए, स्पेशल अपील डिफेक्टिव पेंडिंग है ये केस। पहली हीयरिंग हुई थी इसकी 7 नवंबर 2023 को, नेक्स्ट हीयरिंग की डेट नहीं आई है। स्टेज ऑफ केस फ्रेश है, ये फ्रेश केस है, ये जल्दी ही लिस्टेड होगी, ये केस जल्दी ही लिस्टेड होगी, इसकी सुनवाई बहुत जल्दी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च तक का स्टे लगाया हुआ है, हो सकता है कि सारे केसों की सुनवाई 22 मार्च तक हो जाए, उसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम लगाया जाए। और कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि प्रश्नों में हेर फेर होगा, नंबर में हेर फेर होगा, दोबारा रिजल्ट आएगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा। देखिए क्या होता है, मुझे नहीं लगता है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा। आप ये वाला केस देख लीजिए, ये वाला केस जिसकी सुनवाई कल है, पहली हियरिंग हुई थी 23 मई 2023 को, नेक्स्ट हियरिंग डेट 26 फरवरी 2024, केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर
40, ये कोर्ट नंबर 40 पे इसकी सुनवाई होनी है। सीरियल नंबर एक है, फ्रेश लिस्ट है, तो सीरियल नंबर एक है। जैसे ही ये कोर्ट खुलता है तैसे ही इसकी हियरिंग शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है ये कल ये क्लोज हो जाएगा केस, कोई दिक्कत नहीं है, कल ये केस क्लोज हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से ये केस पड़ा हुआ था, कल ये केस की सुनवाई हो जाएगी। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, इस रिजल्ट में बहुत फेरबदल नहीं होने वाला है। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे कि रिवाइज रिजल्ट आएगा, तो रिवाइज रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं वही रहेंगे 7,897 अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र मिलना था, तो ये अभ्यर्थी सेफ हैं। मुझे नहीं लगता है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा। जो भी केस है ये सब केस जल्द से जल्द फाइनल करके आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दिया गया था क्योंकि कुछ केस पेंडिंग थे। जब इसलिए रोक लगाया गया, जब इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और लोग नौकरी करने लगेंगे तो ऐसे थोड़ी किसी को निकाल दिया जाएगा, तो इसलिए नियुक्ति पत्र पर रोक लगा था कि जब तक ये केस फाइनल नहीं हो जाते हैं। 22 मार्च तक का ये समय लिए हैं कि जल्द से जल्द केस को फाइनल कर देंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके साथ हैं। और आप लोग जो जा रहे हैं धरने के लिए, अगर आप लोग वीडियो बनाएं तो मेरे पास भेज सकते हैं, मैं अपना नंबर दे दूंगा, या किसी माध्यम से टेलीग्राम के माध्यम से आप वीडियो भेज दीजिए, मैं आपकी बातों को रखूंगा, ऊपर रखूंगा और धरने को सफल बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग वहां धरना दे रहे हो, मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहा हूं, तो आप लोग उसका सपोर्ट कीजिए वीडियो भेजकर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।